रानी साहब, आपकी बहू को शायद पता नहीं कि मंदिर की परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। ऑफ कोर्स सितारा, चलो अपनी जूती उतारो। आओ मैं मदद करती हूँ। सुरीली, तुम्हें कुछ भी करके मंदिर के अंदर जाना है। कुछ भी हो जाए, हिम्मत बटोरो अपनी। आओ अपनी जूती उतारो। दीदी, परिक्रमा के दौरान अगर सुरीली के पैर जल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी, सुरीली इतनी आसानी से परिक्रमा कैसे कर रही है? इसके पैर क्यों नहीं चल रहे? मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन ये हो कैसे रहा है? परिक्रमा पूरी हुई। चलिए, शादी का वक्त हो गया है। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कन्या को बुलाइए। लक्ष्मी स्वरूप पत्नी का सम्मान में खड़े होइए। भाई ऐसे घूरो मत, आप ही की दुल्हन है। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं छवीली। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पर दीदी, सुहागरात के वक्त जब विराज सुरीली को देख लेगा तो उसके साथ संबंध क्यों बनाएगा? बड़ी हूं तुमसे, इतना भरोसा तो रखो मुझ पर। अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीदी, आपने बताया नहीं क्या सोचा आपने? हम इनके कमरे की रोशनी बुझा देंगे। जब अंधेरा होगा तो कोई किसी को नहीं देख पाएगा, और अंधेरे में एक बार संबंध हो गया तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।
विराज को मारने का मकसद और हमारा अंश पैदा होने का मकसद। एक बार अगर एक इंसान विष्कन्या से संबंध बना लेता है तो किसी भी हाल में जिंदा नहीं बच सकता। I can't wait to see your face. At least थोड़ी सी झलक तो दिख सकती है। गठबंधन के लिए कन्या की माँ को बुलाइए। शुक्रिया पंडित जी। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनम् हे भक्त वृंदव के प्राण प्यारे नमामि राधे नमामि कृष्ण हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। अलबेली जी, वो अलबेली जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर रही है। मैं देख के आता हूँ। आपको बड़ी जल्दी है उसके पास जाने की। हाँ, आप यहीं पर खड़े रहिए, कहीं नहीं जाना है। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले वर आगे और वधु पीछे चलेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब अगले फेरे में वधु आगे और वर पीछे चलेंगे। ओम विष्णु प्रिय नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम ज्वलते अर्घत्रि नमस्तोभ्यम समृद्धिम कुरुमे सदा नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। फेरे संपन्न हुए, बैठ जाइए। कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अरे दूल्हे राजा, हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन की शक्ल सिर्फ और सिर्फ सुहागरात पर देख सकता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन रिवाज पूरा करने के लिए आप घूंघट के अंदर से ही मांग भर सकते हैं। आइए। मेरी माँ ना मेरा पेशेंस चेक कर रहा। I mean, इतना बेताब हो रहा हूँ मैं देखने के लिए और हर बार मुझे रोक देती हूँ। विराज, शादी में सितारा की माँ की जिम्मेदारी वृंदा जी निभा रही है, तो वो जैसे कहेंगी वैसे ही करना है, उनके रिवाज के मुताबिक। ठीक है? Of course. आइए। विवाह संपन्न हुआ। अपने मंगल जीवन की कामना के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। मुबारक हो छबीली, बहुत जल्द तुम दोबारा मासी बनने वाली हो। आपको भी मुबारक हो दीदी। गॉड ब्लेस, खुश रहिए। थैंक्स सर। बस बस, सदा सुहागन रहिए।
सितारा दाहिने पैर से कलश को गिराकर आरती की थाली में कदम रखी और घर में प्रवेश कीजिए। भाभी साहब, सितारा की मुंह दिखाई कीजिए। आप तो जानती हैं हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बहू की मुंह दिखाई सास ही करती है। विराज भैया, आज से पहले आपने सितारा को पता नहीं कितनी बार देखा होगा, पर आज पहली बार दुल्हन के रूप में देखने के लिए रेडी हो जाइए। एक मिनट, क्या हुआ वृंदा जी, आपने हमें रोका क्यों? मैं जानती हूँ आपके यहाँ मुंह दिखाई की रस्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे पहले आप जरा अपने बेटे की शक्ल देखिए। वृंदा जी माफ कीजिए, पर हम कुछ समझे नहीं। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप तो अच्छे से जानती हैं कि आपके बेटे कितने बेचैन हैं अपनी दुल्हन की शक्ल देखने के लिए। अब अगर ये रस्म आपने कर दी तो आप सोचिए विराज के साथ कितनी नाइंसाफी हो जाएगी, है ना रतन जी? वैसे बृंदा जी, आप सही कह रही हैं। हाँ, वो बात तो सही है। अब ये हक तो हमें विराज को ही देना चाहिए, है ना विराज? चलिए कोई बात नहीं, ये अधिकार आप विराज को दे दीजिए, वो दिखाई नहीं करने दीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ये तुम्हारी माँ को प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घूंघट उठने क्यों नहीं दे रही? तुम्हें बहुत हंसी आ रही, आई बताता हूँ तुम्हें। चलो, गृह प्रवेश भी हो गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तुमने सुरीली को सब समझा दिया है? हाँ दीदी, मैंने सुरीली को सब अच्छे से समझा दिया कि विराज के घूंघट उठाने से पहले वो कमरे में अंधेरा कर दे ताकि विराज उसकी शक्ल ना देख पाए। वृंदा जी भी ना सच में खुद को तुम्हारी माँ समझने लग गई। इतनी रस्में कौन करवाता है? कौन दूल्हे को दुल्हन को देखने से रोकता है इतनी बार? इट्स ओके, अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है।
बड़ी खुशखबरी है छबीली, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सितारा रानी को जाके मुबारकबाद देनी चाहिए? उसे जाके बताएं तो सही कि उसका पहला प्यार उसकी मौसी का पति बन गया है। हाँ दीदी, ये खबर तो सितारा को देनी चाहिए। देखते हैं ये सुनकर उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। भाई ऐसी बात है तो नेक काम में देरी कैसी। चलो चलिए। सीने पे खंजर, अपने चेहरे पे पर्दा, घूंघट तो आज मैं उठा के रहूंगा सितारा। अलबेली उठो, अलबेली, अलबेली। अलबेली दीदी, क्या हुआ तुम इस हालत में? दीदी वो फिर वो यहां से भाग गई दीदी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई दीदी। अगर सितारा यहां नहीं है तो कहां है? और विराज की शादी किससे हुई? विराज की शादी तो सुरीली से ही हुई होगी। नहीं होती तो वो फौरन हमारे पास आ जाती। अगर विराज और सुरीली की शादी हुई है तो सितारा कहां है? अलबेली, सितारा कहां है?